सबरीमाला मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने हर उम्र की महिलाओं के लिए खोले दरवाजे। कहा, महिलाओं को प्रवेश न मिलना उनके मौलिक और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अयप्पा स्वामी मंदिर के पुजारी कंडारारू राजीवारू ने जताई निराशा। कहा, सभी आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश को अनुमति देना गलत। आधी आबादी की जीत पर केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी बोली, मंदिरों में नहीं हो सकता भेदभाव। NCW ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। भीमा कोरेगांव मामले में नजरबंद आरोपियों को नहीं मिली राहत। कोर्ट ने पांचों आरोपियों की बढ़ाई नजरबंदी। अब राहत के लिए ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं सभी पांचों एक्टिविस्ट। SIT के गठन से भी सुप्रीम कोर्ट का इनकार। तारिक अनवर ने छोड़ी NCP, लोकसभा सांसद पद से भी दिया इस्तीफा। रफाल पर शरद पवार के बयान से असहमत होकर उठाया कदम। शरद पवार ने रफाल डील पर मोदी सरकार का किया था समर्थन। कहा था, सरकार की मंशा पर कोई संदेह नहीं, विपक्ष को नहीं मांगनी चाहिए डील से जुड़ी जानकारी। जोधपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया पराक्रम पर्व का उद्घाटन। सर्जिकल स्ट्राइक दिवस के दूसरे वर्षगांठ पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। BJP अध्यक्ष अमित शाह की जान को खतरा। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति और PM जैसी दी सुरक्षा। मध्य प्रदेश में BJP को एक और झटका। रीवा के पूर्व विधायक पुष्पराज सिंह ने कांग्रेस का हाथ थामा। राहुल गांधी की उपस्थिति में ग्रहण की सदस्यता। कॉल म्यूट और कॉल ड्रॉप से जल्द मिलेगा राहत। PM मोदी ने टेलीकॉम विभाग को दिए निर्देश। कहा, जल्द से इस समस्या का समाधान निकालें। वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट की डील और FDI के विरोध में दवा कारोबारियों का भारत बंद। पटना में देखा गया सबसे ज्यादा असर। बिहार के दरभंगा में रेल हादसा। रेलवे क्रॉसिंग के पास दरभंगा कोलकाता एक्सप्रेस के 3 कोच पटरी से उतरे। हादसे की जांच के दिए निर्देश। दिल्ली के गिराड़ी इलाके में 5 मंजिला निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरी। हादसे में 1 की मौत। फिर बढ़े तेल उत्पादों के दाम। पेट्रोल के दामों में 21 से 23 पैसे और डीजल के दामों में 18 से 20 पैसे प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी। कमल हासन बोले, तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार। कश्मीर घाटी में अलगाववादियों के बंद से आम जनजीवन प्रभावित। घाटी और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। एक नागरिक की मौत के विरोध में बुलाया है बंद। तिब्बत के रोटोंग काउंटी में भूकंप। रिक्टर पैमाने पर 5.1 मापी गई तीव्रता। सुबह करीब 5 बजे आया भूकंप। अमेरिका ने चीन पर लगाया चुनाव में हस्तक्षेप का आरोप। बौखलाया चीन, बोला, ऐसे बयानों और शब्दों के इस्तेमाल से करे परहेज जो चीन और अमेरिकी संबंधों के लिए नुकसानदेह हो। बांग्लादेश और भारत के फाइनल मुकाबले से पहले बोले कप्तान मशरफी मुर्तजा। कहा, हमने तो पहले ही एशिया कप जीत लिया। लता मंगेशकर का जन्मदिन आज। 89 वर्ष की हुई सुरों की मलिका। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और PM मोदी ने दी जन्मदिन की बधाई। और तनुश्री दत्ता के नाना पाटेकर पर लगाए गए आरोप पर प्रियंका चोपड़ा ने किया तनुश्री दत्ता का सपोर्ट। प्रियंका ने ट्वीट कर लिखा, बिलीव सर्वाइवर्स।